खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नागरिकता पर देश भर में हल्ला मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर यूपी तक बवाल हो रहा है। हैदराबाद हो या पश्चिम बंगाल, हर जगह नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी में हालात ज्यादा खराब है। शुक्रवार की हिंसा के बाद शनिवार को भी कानपुर और रामपुर में जबरदस्त हिंसा हुई। उपद्रवियों के निशाने पर पुलिस वाले रहे। रामपुर में एक शख्स की मौत हो गई। कानपुर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी को ही आग के हवाले कर दिया। एबीपी न्यूज लगातार अपील कर शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। हिंसा किसी मसले का समाधान नहीं है, हो सकता है ना हो सकता है, ये समस्या है। देखिए, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सभी जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है, लेकिन साथ साथ हिंसा भी हो रही है। और बार बार इसीलिए एबीपी न्यूज आपका अपना चैनल आपसे अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और अब देखिए ओवैसी का हल्ला बोल। नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के दारुल सलाम में रैली की, जिसमें कई मुस्लिम नेताओं समेत हैदराबाद के अलग अलग इलाकों से आए लोग शामिल हुए। इस दौरान ओवैसी नागरिकता कानून को मुसलमान विरोधी बताते हुए कानून से धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द हटाने की उन्होंने मांग की। ओवैसी ने कहा कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, मुसलमान वो है जिन्होंने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओवैसी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर भी जमकर हमला बोला। एनपीआर गलत है, एनआरसी गलत है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तदार में। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि ये देश में, इस मुल्क में, वतन अजीज में मजहब के नाम पर हमको दूसरे दर्जे का नहीं बल्कि स्टेटलेस बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सबको नुकसान होने वाला है, सबको नुकसान होने वाला है। तीसरी और अहम बात कि मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि ये लड़ाई लंबी लड़ाई जुद्द होने वाली है, ये जुद्दोजहद आसान नहीं है मेरे दोस्त। आप सिर्फ वजीर आजम इतना कर दीजिए कि रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो आपने लफ्ज लिखा, लफ्ज रिलीजन को निकाल दीजिए, लफ्ज रिलीजन को निकाल दीजिए। किसी भी मुल्क की माइनॉरिटी लीजिए आप, मैं मानता हूं पाकिस्तान में जुल्म होता है, मगर पाकिस्तान से मुझे क्या करना है। आखिर नरेंद्र मोदी को इतनी नफरत क्यों है हमसे? क्या किया हमने बताओ? हमने जीना के पैगाम को ठुकराया, निली का मासेकर हुआ आसाम में, लाशें पड़ी थी खेतों में, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, हमने अपनी मस्जिद के गम को दबा कर रखा, मगर मुल्क से वफादारी की, कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। 2002 गुजरात हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज भी कहें और कल भी कहते रहेंगे, मगर तुम शक कैसे करते हो इख्तदार की कुर्सियों पर बैठकर? और जो लोग हम पर तनकीद कर रहे, हम मुसलमानों पर गालियां दे रहे, उंगलियां उठा रहे, अरे क्या अल्लाह ने तुमको अकल नहीं दी कि आइसिस इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सारी दुनिया से लोग गए, कितने गए भारत से, कितने गए भारत से, 50-60? जो लोग आईसीएस का रिक्रूटमेंट करते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के दुश्मन है। तुमको मालूम कि जो लोग, दो लोग मर गए मुजफ्फरनगर में, उनको दफनाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। बताओ मैं क्या लाशों पे सियासत करूं? नहीं, मेरा काम जिंदगियों को बचाना है, मरवाना नहीं है। जिसको मरवाना है वो सियासत करे, मैं ये सियासत नहीं कर सकता। मैं बचाने का काम कर सकता हूं, इन नौजवानों की जिंदगियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर कभी मरना पड़ेगा तो इंशाल्लाह हम पहले मरेंगे, हम मरेंगे इंशाल्लाह, हम अपने सीनों पर गोलियां लेंगे,
हम अपने सीनों पर अपने सर पर लाठियां खाएंगे, मगर किसी हिंदुस्तान के मासूम लोगों को अपनी सियासत के लिए नहीं मरवाएंगे। जो कोई भी भारत में NRC और CAA के खिलाफ है, वो कल से अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लगाएगा, ताकि जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा मुल्क ये जान लेगा कि ये मोदी के काले कानून के खिलाफ है, और जिसके घर पर तिरंगा नहीं लगेगा दुनिया समझ जाएगी कि ये भारत को दोबारा पार्टीशन की राह पर लेकर जा रहा है। ऐसे 56 नरेंद्र मोदी अमित शाह आएंगे, भारत का कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हम यहां पर 22 शहरी थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर ये लोग इस तरह की हरकतें करके क्या पैगाम दे रहे हैं आप? बाबा ने कहा कि ओवैसी एक सर फिरा है, आपको गलत फहमी है बाबा। हमारे बुजुर्ग पांडुरंगा रेड्डी भी सर फिरे हैं। ये सब लोग डाइस पे बैठे पूरे सर फिरे। सर फिरे इसलिए है बाबा, इससे मोहब्बत है। और बाबा ने कहा कि कोई ओएसी को पत्थर नहीं मारता जब वो बात बोलता है, तो बाबा की दिल की ख्वाहिश उनकी जुबान पर आ ही गई। बाबा पत्थर मारो बाबा।